जी नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बीजी टीम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं दुबई की नई कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आज जो है दुबई में देखा गया, आज जो दुबई की पुलिस जो है, दुबई गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से अपना एक ऐड निकाला है। दोस्तों हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो लोगों तक ये जानकारी पहुँचा रहे हैं कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी को मैं एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ जो कि आज मैंने खुद ही कैप्चर की है। आप यहाँ के हालात को देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए दुबई गवर्नमेंट के द्वारा जो है आज हेलीकॉप्टर के द्वारा पूरे सिटी में, पूरे शहर में जो है दुबई अबू धाबी में हेलीकॉप्टर घुमा के उसके पीछे एक पोस्टर लगा के एडवर्टाइजमेंट के जैसे वार्निंग दी जा रही है सभी लोगों को कि आप अपने घर में रहें, कैंप से बाहर ना निकलें। ड्यूटी जो है अभी कंपनी बंद नहीं की गई है, चूँकि 8 से 6 का एक टाइम अलाउ हुआ है, 6 से 6 हो गया है दोस्तों, जो कि सुबह पहले 6 बजे से लेके रात में 8 बजे तक था, वो सुबह 6 से लेके शाम 6 तक हो गया है। शाम 6 बजे के बाद आप बाहर नहीं निकलेंगे, घर में से कैंप से बाहर नहीं निकलेंगे। आप अपने कैंप में रहिए, अपने रूम में रहिए, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर बिल्कुल आवश्यक कार्यों की वजह से आप जा सकते हैं, वो भी आपके हाथों में ग्लव्स और मास्क होना ज़रूरी है, नहीं तो दोस्तों आपको यहाँ पे 1000 दिरहम का फाइन लगेगा। दोस्तों आइए इस वीडियो को मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि किस प्रकार से जो है आज वार्निंग दी जा रही थी दुबई के सभी लोगों को कि आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को दिखाता हूँ। पता नहीं किस चीज़ का ये मोबाइल की पिक्चर्स जो है दोस्तों काफ़ी क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो है थोड़े दूर से था, हम लोग आंखों से उसको क्लियर देख सकते थे कि उस पर क्या लिखा हुआ था। दोस्तों उस पर क्लियर लिखा गया था कि स्टे एट होम, बी अलर्ट, वार्निंग दी गई थी उस पर कि आपको अपने रूम से बाहर नहीं निकलना है, आपको अपने कैंप में रहना है, आप अच्छे से रहिए, सेफ रहिए। एक बार और इस वीडियो को मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से जो है दुबई गवर्नमेंट ने एक पहल की है लोगों को वार्निंग देने की, लोगों को चेतावनी देने की, लोगों को एडवाइज़ करने की कि आप अपने कैंप में रहिए, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, आप कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं, इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको अपनी सेफ्टी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रहिए और आप बिल्कुल एकांत में रहिए, आप जितना हो सके भीड़ भाड़ वाले एरिया से अलग रहिए। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर दो दो हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है सूचना दी जा रही थी लोगों को। आज जो है दोपहर में लगभग 1 बजे के करीब दुबई गवर्नमेंट ने अपना चौपर जो है पूरे अलग अलग सिटीज़ में, काफ़ी चौपर देखे गए हैं आज, उन्होंने एक ऐड जो है एक नोटिस जारी किया है और लोगों को जल्दी पहुंचाने के लिए ये माध्यम अपनाया है। दोस्तों तो दोस्तों अगर जो आप दुबई में रहते हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने कैंप में रहिए। कंपनी कुछ दिनों के लिए छुट्टी देने वाली है और वैसे भी अभी लीव अनाउंसमेंट हो गया है, 15-15 दिन के लिए लीव जो है कंपनी दे रही है। और यहाँ पर एक न्यूज़ है दोस्तों, यहाँ पर सारे स्कूल्स बंद हो चुके हैं दुबई के अंदर, एयरपोर्ट बंद है, एयरपोर्ट सर्विस। हालांकि एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि 16 अप्रैल को डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो हैं वो ऑन हो जाएंगी, लेकिन इंटरनेशनल फ़्लाइट का अभी कोई न्यूज़ नहीं है। दोस्तों इंटरनेशनल फ़्लाइट जब भी ऑन होती है, फिर भी ओपन होने के बाद भी सिर्फ आप यहाँ से डिपार्चर कर सकते हैं, अराइवल के लिए जो है अभी कोई चांस नहीं है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और लेटेस्ट अपडेट की बात करते हैं दुबई में जो है संक्रमित लोगों की, तो दुबई में संक्रमित लोगों की संख्या जो है अभी ज़्यादा हो चुकी है, 1813 लोगों की संख्या जो है इस समय दुबई में कोरोना वायरस से लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में और देखते हैं क्या कोई अगला अपडेट नज़र आता है, क्या हमें कोई खुशी की जानकारी मिलती है, क्या अभी इसका वैक्सीन जो तैयार होने वाला है, इस पर जो कार्य चल रहा है वो जल्दी सफल हो पाता है या नहीं।